हंडिया से 20 किलोमीटर दूरस्थ पश्चिम में जोगा का किला अपने गौरवशाली इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। कमल ग्राम जोगा से प्रतिदिन 60 से 100 लोग फतेहगढ़ से सतबांस पुनासा सनाबद ओमकारेश्वर बड़वानी समेत अन्य स्थानों पर जाते हैं, जिससे उन्हें 660 से 100 किलोमीटर का फेरे की बचत हो जाती है। ग्रामीण जनों का कहना है कि यदि जोगा से फतेहगढ़ के बीच पुल का निर्माण और हनुवंतिया टापू की तर्ज पर जोगा का भी विकास कार्य सरकार करे तो निश्चित ही यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, सभी को इसका लाभ मिल सकता है। यहाँ सैलानियों की बात अगर की जाए तो पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम यहाँ होटल का निर्माण किया जाएगा। मैं पुनासा का निवासी हूँ, तहसील पुनासा जिला खंडवा। मैं इधर से आ रहा हूँ शिवपुर से। शिवपुर से पुनासा की दूरी है इधर से 100 किलोमीटर। कोई पुनासा से आदमी खाते गाँव होकर घूमता हुआ जाता है तो पड़ता है हंडिया। यहाँ से पुनासा से हंडिया पड़ेगा आपको 100 किलोमीटर। तो इधर से आदमी सीधा आ गया तो 100 किलोमीटर में सीधा पहुँच जाएगा। यहाँ से घूम के जा रहा है आदमी तो 60 किलोमीटर का फेर पड़ रहा है उसको। अब करीबन दो जिलों के लोग कभी इधर सीधे जाते हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। जल्दी पहुंच रहा है आदमी, घर पे जल्दी जा रहा है। यहाँ पे कभी ब्रिज का निर्माण हो जाए तो बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। दोनों तीन जिले यहाँ पे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। और इसके लिए बहुत दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर है नहीं ब्रिज और बार बार यहाँ पर खड़ना पड़ता है बहुत टाइम तक। और बोट आती है, फिर आती है, फिर ले आती है। कितना पैसा लगता है बोट से आने जाने? बोट आने का लगता है 30 रुपये लगता है गाड़ी का चार्ज, और हमारा 30 रुपये 60 रुपये लगता है एक आदमी का गाड़ी के सहित।